हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मीरा भाई चानू ने कमाल कर दिया, भारत को पहला सिल्वर मेडल दोस्तों दिला दिया। दोस्तों पूरा भारत, पूरा इंडिया आज प्राउड फील कर रहा है मीरा भाई चानू पर, और दूसरे प्लेयर्स को भी मोटिवेट कर रहा है ताकि वो सिल्वर गोल्ड जीतें, भारत का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। दोस्तों इसके बीच एक्टर मॉडल जो मिलिंद सोमन है, इनकी वाइफ अंकिता कोनवार ने जातिवाद पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। दोस्तों जो मीराबाई चानू है वो भी नॉर्थ ईस्ट की हैं और अंकिता कोनवार वो भी नॉर्थ ईस्ट की हैं। अब अंकिता कोनवार ने दोस्तों एक जातिवाद पर प्रश्न खड़ा कर दिया है नॉर्थ ईस्ट को लेकर कि भैया नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसे तो कोई नहीं पूछता, ऐसे तो कोई याद नहीं करता, हमें तभी याद किया जाता है जब हम भारत के लिए मेडल ला दें, हमें तभी पूछा जाएगा जब हम भारत के लिए मेडल ला दें। ये अंकिता कोनवार ने कहा है दोस्तों, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार खड़ा किया है। अंकिता कोनवार ने कहा है कि भैया नॉर्थ ईस्ट को लोग एज अ चाइनीज़, चिंकी, नेपाली, अभी न्यू एडिशन ऑफ कोरोना की देखते हैं, ये हमारा इमेज है लोगों के दिमाग में, भारत के दिमाग में, हमें कोई इंडिया में काउंट नहीं करता, हमें चाइनीज़ की तरह देखा जाता है, हमें नेपाली की तरह देखा जाता है, हमें चिंकी की तरह देखा जाता है, अभी न्यू एडिशन ऑफ कोरोना में भी हमें देखा जा रहा है। और एक बहुत बड़ा सवाल किया है अंकिता ने कि भैया हमें तभी पूछा जाता है जब हम इंडिया के लिए मेडल ला दें, अदरवाइज़ हमें कोई नहीं पूछता, हमें भारत के बाहर का समझा जाता है, चिंकी चाइनीज़ की तरह हमें देखा जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों खड़ा किया है। मेरा पर्सनल मत है कि मेरे कई फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट से हैं दोस्तों, आज तक मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि ये अदर देन इंडिया के पार्ट हैं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, ना उनसे बातों से हुआ, ना कभी हुआ। दोस्तों अंकिता को ये बात लग रही है और इन्होंने ये बात मीडिया पे उठाई है और ये बहुत तेज़ी से ये इनका क्वेश्चन वायरल हो रहा है। दोस्तों इस बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या मत है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए।